नमस्कार दोस्तों, फेयर नॉलेज चैनल की इंटरव्यू सीरीज के एक नए और धमाकेदार वीडियो में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, ये जो इंटरव्यू सीरीज के वीडियोस हैं, इनमें रियल इंटरव्यू किस प्रकार होता है उसे दिखाने की हमने कोशिश की है। आशा करते हैं दोस्तों कि मेरा प्रयास आप सबको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा बातें ना बढ़ाकर शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल, क्या आपने टैप चेंजर का नाम सुना है? जी सर, सुना है। ये कहाँ लगा होता है? सर, टैप चेंजर ट्रांसफार्मर में लगा होता है। अच्छा, टैप चेंजिंग क्यों करते हैं? सर, कभी कभी ट्रांसफार्मर पर लोड बहुत ज्यादा हो जाता है और उस कंडीशन में सर ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज 11 केवी से घटकर 10.4 केवी या फिर 10.5 केवी हो जाता है सर। उस समय सर कंज्यूमर को 11 केवी का सप्लाई देने के लिए ट्रांसफार्मर के टैप पोजीशन को बढ़ाया जाता है ताकि कंज्यूमर को रेटेड वोल्टेज की सप्लाई दी जा सके, और सर जब लोड कम हो जाता है तो वोल्टेज बढ़ जाती है। इस कंडीशन में सर बढ़े हुए टैप पोजीशन को घटाकर वोल्टेज को कम कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि लोड बढ़ने से वोल्टेज क्यों ड्रॉप हो जाता है तो आप मेरा इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बताइए कि टैप पोजीशन बढ़ाकर जब वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो वाइंडिंग्स के नंबर ऑफ टर्न्स घटता है कि बढ़ता है? सर, वोल्टेज बढ़ाते समय नंबर ऑफ टर्न्स घटता है और वोल्टेज घटाते समय नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ता है। अच्छा, ये बताइए टैप चेंजर प्राइमरी में रहता है कि सेकेंडरी में? सर, टैप चेंजर ना तो प्राइमरी में होता है ना ही सेकेंडरी में। टैप चेंजर हमेशा ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज साइड में होता है। तो ऐसा क्यों होता है? सर, हाई वोल्टेज साइड में वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से करंट का मैग्नीट्यूड बहुत कम होती है। इसलिए सर हाई वोल्टेज साइड में जब टैप पोजीशन घटाया या बढ़ाया जाता है तो करंट का मैग्नीट्यूड कम होने की वजह से स्पार्क बहुत कम जनरेट होती है। और इसके अलावा सर ट्रांसफार्मर में जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग्स होती है वो लो वोल्टेज वाइंडिंग्स के ऊपर वाइंड किया जाता है। यानी सर हाई वोल्टेज की जो वाइंडिंग है वो बाहर की तरफ होता है, इसलिए बाहर से टैपिंग्स निकलना आसान हो जाता है। इसलिए सर टैप चेंजर हाई वोल्टेज साइड में लगा होता है। अच्छा, ये बताइए टैप चेंजिंग किन किन तरीकों से कर सकते हैं? सर, हम लोग टैप चेंजिंग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है ऑन लोड टैप चेंजिंग और सर दूसरा है ऑफ लोड टैप चेंजिंग। अच्छा, इन दोनों में क्या अंतर है? सर, ऑफ लोड टैप चेंजिंग में टैप चेंज करने के लिए ट्रांसफार्मर के ऊपर जितने भी लोड है उसको ऑफ करना पड़ता है। मतलब सर ऑफ लोड टैप चेंजिंग में ट्रांसफार्मर को ऑफ लोड कंडीशन में ले जाकर ही हम लोग टैप चेंज कर सकते हैं। लेकिन सर ऑन लोड टैप चेंजिंग में बिना ट्रांसफार्मर के लोड को हटाए भी चालू कंडीशन में ही हम लोग टैप चेंज कर सकते हैं। इससे सर एक फायदा होता है कि कंज्यूमर के पावर सप्लाई में कोई इंटरप्शन नहीं आता है। अच्छा, आपने WTI और OTI का नाम सुना है? हाँ सर, सुना है। तो WTI और OTI क्या होता है? सर, WTI का मतलब है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर और OTI का मतलब है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। इसे क्यों लगाया जाता है? सर, WTI और OTI दोनों ही ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्टिव डिवाइस हैं। WTI ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग टेम्परेचर को नापता है और OTI ट्रांसफार्मर के ऑयल टेम्परेचर को नापता है। इसमें कितने निडल होती है? सर, इसमें दो निडल होती है, एक होता है ब्लैक कलर के और दूसरे रेड कलर के। तो दो निडल की क्या जरूरत है? सर, जो ब्लैक कलर की निडल होती है वो दिखाता है कि वर्तमान में टेम्परेचर कितना है, और सर जो लाल कलर का निडल है वो दिखाता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना राइज हुआ था। अच्छा, आपने कहा कि ये ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्टिव डिवाइस है, तो ये बताइए कि ये ट्रांसफार्मर को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है? सर, अगर ट्रांसफार्मर में किसी फॉल्ट की वजह से वाइंडिंग टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस और ऑयल टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए तो अलार्म सर्किट एक्टिवेट हो जाती है। इससे सर ब्रेकर में अलार्म बजने लगता है, और अगर किसी कारणवश अलार्म ना बजे तो वाइंडिंग टेम्परेचर जैसे ही 95 डिग्री सेल्सियस और ऑयल टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो ट्रिप सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा और ब्रेकर को अपने आप ट्रिप करा देगा। इससे सर ट्रांसफार्मर के इनकमिंग पावर कट हो जाता है और ट्रांसफार्मर डैमेज होने से बच जाता है। अच्छा, इसे छोड़कर ट्रांसफार्मर में और क्या क्या प्रोटेक्टिव डिवाइस लगी होती है? सर, प्रोटेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर में बुकल्स रिले, ब्रीदर, एमओजी, इन सबको लगाया जाता है।
इसके अलावा सर, ट्रांसफार्मर को सर्ज वोल्टेज से बचाने के लिए और लाइटनिंग से बचाने के लिए ट्रांसफार्मर के पहले इनकमिंग लाइन में सर्ज अरेस्टर लगाया जाता है। तो आपने कहा कि बुकर्स रिले ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है। जी सर। तो ये बताइए कि बुकर्स रिले को कहाँ लगाया जाता है। सर, बुकर्स रिले ट्रांसफार्मर के मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक को जोड़ने वाली पाइप में लगती है। वहाँ पर क्यों लगाया जाता है? सर, बुकर्स रिले एक गैस ऑपरेटेड रिले है। अगर किसी कारणवश ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है तो ऑयल में गैस बनने लगते हैं, और ये जो गैस है इसके निकलने का एक ही रास्ता है, ब्रीदर। और सर, ब्रीदर कंजर्वेटर टैंक में लगी होती है। इसीलिए सर, बुकर्स रिले को ट्रांसफार्मर के मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगाया जाता है, ताकि सर ज़्यादा गैस बनने पर वो गैस बुकर्स रिले से होकर पास करे, और बुकर्स रिले में ज़्यादा गैस अगर आएगा तो वो अलार्म सर्किट को पहले एक्टिवेट करेगा, उसमें सर ब्रेकर में अलार्म बजेगा। और अगर इससे भी ज़्यादा गैस बनने लगे तो बुकर्स रिले ट्रिप सर्किट को एक्टिवेट करके इनकमिंग पावर को कट कर देगा। इससे सर ट्रांसफार्मर बचा रहेगा, उसको कोई क्षति नहीं पहुंचेगा। अच्छा, ये बताइए कि 33/11 के भी ट्रांसफार्मर के वेक्टर ग्रुप क्या होता है? सर, इसका वेक्टर ग्रुप है DYN11। इसका क्या मतलब हुआ? सर, D का मतलब है कि प्राइमरी में डेल्टा कनेक्शन है, Y का मतलब है सेकेंडरी में स्टार कनेक्शन है, और N का मतलब है न्यूट्रल, और 11 का मतलब है कि वोल्टेज और करंट के बीच में 30 डिग्री का फेज डिफरेंस है। ठीक है, आपका इंटरव्यू हो चुका है, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी फायदा मिला होगा और काफ़ी कुछ जानने को मिला है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और फेयर नॉलेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।